नमस्कार आदाब। जैसा कि पता है कि कटिहार में आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है और आपको बता दें अभी वर्तमान में जो बिहार में सरकार चल रही है वो महागठबंधन की है, सभी पार्टी के एक गठबंधन में है और उसके बावजूद सभी लोग जो है कटिहार से होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। जदयू की बात करें तो जदयू के वर्तमान सांसद दुलालचंद गोस्वामी हैं, जबकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर उन्होंने भी अपने लोकसभा चुनाव के दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो बता दें कि सीपीआई माले से महबूब आलम का जो वर्तमान में अभी बलरामपुर से विधायक है उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलकर गुप्त बैठक किया है, उन्होंने भी अपने दावेदारी रखी है। अब देखिए इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं गठबंधन की ताकत को मजबूत किया जाए और सांप्रदायिक फांसीवाद का चेहरा जो बेनकाब हो चुका है उससे मुकाबला किया जाए और उस मुकाबला में राजनीतिक तौर पर संसदीय मोर्चा में हमारी पार्टी कटिहार में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है। एक लंबे समय से पिछले 40 साल से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, गरीब मजदूर किसान आदिवासी जमीन सिकमी बटाईदारी और जनवादी ताकतों की हिफाजत पत्रकारिता की हिफाजत के लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं। इसलिए हमारा भी मजबूत दावेदारी है कि ये सीट हम लोग को दिया जाए। कितना सीट पर दावेदारी है बिहार में आप लोग? हमारी अभी 5 सीट पर दावेदारी है। अच्छा, हाल के दिनों में मुख्यमंत्री से भी आपकी एक गुप्त बैठक हुई है, आपकी दावेदारी कितना मजबूत है उस बैठक के हवाले से अगर चर्चा है? देखिए दावेदारी मुख्यमंत्री से तो अक्सर बातचीत होती रहती है, डेवलपमेंट के सवाल पर और पॉलिटिकल सवाल पर और मान लीजिए कि सीट शेयरिंग के सवाल पर जो अफरा तफरी मची हुई है, अलग अलग लोगों का बयान देने का जो एक दिलचस्पी है चस्का है, उन तमाम चीज़ों पर बात हो रही थी। हमने कहा कि संयम बरतते हैं हम लोग और कटिहार को आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। इस मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी दावेदारी जोरदार ढंग से पेश किया है। कांग्रेस से तारिक अनवर जैसे कद्दावर चेहरा, दुलाल गोस्वामी ऑलरेडी एमपी है, आप उन लोग से कैसे बेहतर है क्या? अरे भाई कद्दावर आप बना देते हैं उस किसी को, कोई कद्दावर नहीं है, हर सामंती हर पैसे वाला कद्दावर है और हर सड़क का मजदूर जो है आम है। तो हमारा कितनी दावेदारी मजबूत है, जनता की कितनी बेहतर सेवा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आप लोगों के मूल्यांकन पर हम छोड़ते हैं और जनता पर छोड़ते हैं। अच्छा, अब देखना दिलचस्प है कि कटिहार का लोकसभा का टिकट किसके हाथों लगता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।